हेलो एवरीवन माय नेम इज वरदान नेर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मार्ग बेन्स सो भाई मार्ग बेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडी गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आस फॉर एनीथिंग यू कैन फॉर सीबीएसई बोर्ड यू कैन आसोर फॉर स्टेट बोर्ड यू कैन आस फॉर एन यू कैन यू फॉर ओलंपियाड्स यू कैन फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट यस, यू हर्ड दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से और दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोज तो आज, तो आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टू बाइनरी कन्वर्जन तो यार देखो बाइनरी का सेट चल रहा है ना? थे थे लिग ते लिग है ना बाइनरी कन्वर्जन वाला सेट चल रहा है अगर आपको याद हो पिछला वीडियो आपने अगर अटेंड किया है उससे पहले की वीडियो अटेंड किए हैं तो बाइनरी का सेट चल रहा है मतलब हम सेट्स में कन्वर्जन कर रहे हैं पहले हमने क्या देख लिया डेसिमल में कन्वर्शन देख लिया बाकी सारे फॉर्म से मतलब डेसिमल में हमने देख लिया कि कैसे आप बाइनरी को डेसिमल में करोगे ऑक्टल को डेसिमल में करोगे करोगेमल को डेसिमल में करोगे क्योंकि डेसिमल हम रियल लाइफ में यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो हमें बेटर समझ में आती है बट फाइनली हमें करना तो क्या है एक डिजिटल कंप्यूटर को कुछ समझानी है ना तो बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम बाकी फॉर्मेट्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से हम डेसिमल uh, को बाइनरी में कर सकते हैं ऑक्टल को को बाइनरी बाइनरी में में कर सकते, में कर सकते सकते हैं हैं इससे पहले हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया जो मच थोड़ा सा टफ था टफ नहीं था बट एक नया सा प्रोसेस था लंबा सा प्रोसेस था फिर हमने ऑक्टल टू बाइनरी सीखा हमने यह सीखा कि ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कितना ईजी है

ठीक है तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ठीक है तो जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्लास इलेवंथ का कंप्यूटर साइंस का एनसीआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम जिसमें आज हम सीख रहे हैं टू बाइनरी ठीक है ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जैसे यार आप लोग को पता है हमारी दो कंपनी से, फर्स्ट वन इज मार्ग्रेट बेन सेकंड इज पैबली ठीक है ये एक एडिटेड प्लेटफॉर्म है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो अगर आप हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर जाने के लिए तैयार हो सो यू कैन अप्लाई है एंड इट इज़ वेरी इजी ऑल यू नी टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ई मेल आई डी विच इज मैगनेट ब्रेन भोपाल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जो रेज्यूमे है आपका ये आपके स्किल सेट के बारे में डिटेल होना चाहिए दूसरा सब्जेक्ट में जो मेल आप करेंगे उसके सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम ये लाइन ऐड करनी है सच दैट हम आपके मेल को फिल्टर कर सके और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है देन डेफिनेटली वी वुड कांटेक्ट यू ओके सो इफ यू आर एक्साइटेड इफ यू आर रेडी सो गो एंड अप्लाई हियर राइट और नाउ ओके आफ्टर दैट कमिंग बैक टू द टॉपिक ठीक है जन सो लाइक दंबर सिस्टम शॉर्ट हैंड मैथड्रेजेंटिंग बेसिकली ऑक्टल नंबर सिस्टम के तरीके से जैसे ऑक्टल में कन्वर्जन बहुत आसान था वैसे ही में भी है और हेग्जेड को हम यूज करते हैं शॉर्ट हैंड के तरीके से बाइनरी नंबर्स। को रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि इतने लंबे लंबे बानेरी नंबर को कोई याद नहीं रख सकता बेटर है उसको हेग्जेड एसेमल फॉर्मेट में समझी

तो सिक्स अगर आपको डिजिट रिप्रेजेंट करनी है तो फोर बिट चाहिए उसी की जगह मैं ऑक्टल की बात करूं तो ऑक्टल में कहानी ये थी कि डिजिट्स थी, की पावर थ्री इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं थ्री बिट्स तो ऑक्टल में थ्री बिट से कर सकता था बट एक्सटल के लिए मुझे फोर बिट चाहिए ठीक है सो हेक्स टू कन्वर्जन टेक्स प्लेस यूज इन डिफरेंट डिजिट्स दस हेक्साडेसिमल नंबर टेक्स फोर बिट्स टू रिप्रेजेंट इट अब क्या क्या है जरा वो पहले तो वो समझ लें फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है तो पहले जरा ये समझ लेते हैं कि क्या क्या है एक्चुअली में 16 डिजिट्स क्या क्या है तो एक जगह आ नहीं पाएगा तो मैं इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ठीक है यहाँ आधा वहाँ आधा ठीक है तो सबसे पहले लिखेंगे टू की पावर टू की पावर जीरो टू की पावर माइनस टू की पावर माइनस टू वाई माइनस वन माइनस टू सॉरी टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री राइट right? ये क्या है दिस इज वन दिस इज टू दिस इज फोर दिस इज एट ठीक है नंबर लिखना शुरू करेंगे अपन ठीक है so, सो सबसे पहले लिखेंगे जीरो तो जीरो मतलब ऑल जीरो सो दिस इज जीरो हेक्साडेसिमल में जीरो ठीक है वन कैसे लिखेंगे जीरो 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 वन दिस इज वन टू कैसे लिखेंगे जीरो जीरो वन जीरो दिस इज टू हेक्साडेसिमल में। थ्री कैसे लिखेंगे टू वन तो जीरो जीरो वन वन दिस इज थ्री फोर कैसे लिखेंगे जीरो वन जीरो जीरो दिस इज फोर फाइव कैसे लिखेंगे जीरो वन जीरो वन फोर वन फाइव तो दिस इज फाइव कैसे लिखेंगे तो जीरो वन वन जीरो दिस इज व्हाट दिस इज ठीक है सेवन कैसे लिखेंगे तो जीरो फाइव सिक्स एंड सेवन दिस इज वॉट सेवन तो यहां तो बिल्कुल ऑक्टल वाली कहानी बस यहां पे जीरो और एड हो गया जीरो ऐड करना जरूरी है क्योंकि फोर में बना रहा हो है ना अब इसके बाद कहानी आती है आर्ट से अगेन वही सेम कहानी टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री दिस इज वन टू फोर एंड एट ठीक है ना दिस इज वट अब मुझे रिप्रेजेंट करना एट तो यहां से वन से शुरू होगा वन जीरो 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 दिस इज वट दिस इज एट ठीक है कैसे करेंगे एट एंड इज नाइन सो दिस इज नाइन एट इज नाइन दिस इज नाइन नेक्स्ट इज टेन टेन कैसे करेंगे एंड इज तो ये आ गया कैसे करेंगे तो so इलेवन हो जाएगा आपका बेसिकली अब नहीं अब एक चीज यहाँ पे टेन जो है हेक्साडेसिमल में नहीं आता तो ये टेन क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा तो ये ए फिर ये हो गया टेन अब इलेवन कैसे करेंगे सो so एट 9, 10 11. तो ये हो गया बी आपका, This is B. है ना? 11 के 12 कैसे करेंगे सो एट नाइन टेन सॉरी मैंने गलत कर, मैंने गलत किया, sorry, sorry, sorry. Mistake. हमें आ, हमें करना है क्या ट्वेल्व ना तो ये आ जाएगा ना यार, so 8, 4 is 12, है ना?

8, 4, 12, 13, 14, 15. तो ये बेसिकली आपका हेक्साडेसिमल टेबल है जो आपको यूज करना है आगे तो बेसिकली वही ऑक्टल वाली कहानी हर बिट उठानी है हर ऑक्टल बिट सॉरी उठानी है हेक, हेक्स बिट उठानी है और इसको कन्वर्ट कर देना उसके फोर बिट बनर इक्वल में. ये टेबल ऑल दो तो यहाँ पर भी मैंने बना रखी है यहाँ पर भी चेक कर लीजिए तो चार बिट से जीरो चार जीरो 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 वन जीरो 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 वन 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 जीरो वन 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 यो गया जीरो से लेके सेवन एट से लेके एफ तक ठीक है अब जरा कुछ ये था बाइनरी इक्वलेंट ऑफ हेक्स डिजिट्स है ना हेक्स डिजिट्स कन्वर्जन सीखेंगे तो एग्जाम्पल सीखेंगे वही एग्जाम्पल चाहिए भाई हमें ना तो एग्जाम्पल हम इस चीज को सीखेंगे टू एट थ्री फोर को बाइनरी में कन्वर्ट करना वेरी इजी करना क्या है बस इसको लिख दीजिए फिर कन्वर्ट कर दीजिए टू एट थ्री फोर टू एट थ्री फोर नाउ जस्ट कन्वर्ट इट राइट टू क्या है वट इज टू टू इज हेर जीरो जीरो वन जीरो जीरो One zero. Eight is it is there? One and three zeros. One and three zeros. It is one and three zeros. Three is three is zero zero one one. Three is zero zero one one. Four is four is फोर इज जीरो वन जीरो जीरो फोर इज जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो हो गया फोर अब इनको मर्ज कर देना आपका नंबर बन गया टू एट थ्री फोर ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा जो आपकी यहाँ पे एमएस बी है जो लास्ट बिट है ठीक है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएस बी जो है इज इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में लेफ्ट में zeros आ रहे हैं अब क्या क्या, -क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो देखो या तो तीनों तीन जीरो हो जाए है ना और एक वन हो या फिर दो जीरो हो एक वन हो है ना और यह कुछ भी हो सकता है वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट ठीक है फिर एक जीरो हो वन 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 हो फिर सारे वन हो अब ये तो पूरा वन आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको क्या लिखना है इसको वन 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 लिखना है इसको क्या लिखना है इसको वन वन लिखना है इसको क्या लिखना है इसको वन लिखना है क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में आप डिजिट्स ऐड करते चले जाओगे उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ठीक है तो वही कहानी आपको यहाँ पर भी जो ऑक्टल में थी यहाँ ध्यान रखनी है और क्या हो जाएगा बेसिकली 0010 तो ये आ गया 00 10 ये आ गया 1000 है ना ये आ गया 0011 और ये आ गया, 0100, और ये आ गया 0100 और ये आपका बेसिकली क्या है ये है आपका बेसिकली बाइनरी इक्विवेलेंट तो ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया ठीक है तो इतना ईजी है भाई इतना ईजी है एक्चुअली में बाइनरी सॉरी किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना इतना ईजी है ये इतना ईजी है ठीक है चलो आई होप ये क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ए सिक्स एफ बी अब यहां पे थोड़ा सा लेटर्स भी आ गए तो देखते हैं टू सॉरी थ्री ए थ्री ए सिक्स एफ बी फोर बिट थ्री ए सिक्स एफ बी है ना बन एव इक्वल थ्री का है देखो थ्री ए रहा जीरो जीरो वन वन तो यह जीरो जीरो वन वन ए क्या आ गया ए इज वट ए यहां पे है कहीं ये वन जीरो वन जीरो ए इज वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो

ठीक है अब अगेन कहानी बिल्कुल वही बिल्कुल सेम है लिखिए कन्वर्ट कर ठीक है लिखेंगे तो जीरो डॉट फाइव सी एफ बी फाइव सी एफ बी सिक्स राइट फाइव सी एफ बी सिक्स है ना जीरो का इज ऑल जीरो फोर जीरो वन टू थ्री फोर डॉट फाइव एज जीरो सी एस सी एज वन वन जीरो जीरो सी एज वन वन जीरो जीरो एफ एज ऑल वन फोर वन एफ एज ऑल वन फोर वन बी एज वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो अब मैच करेंगे और उसको ऐड कर देंगे सिंपल सी से बात लिख देंगे ठीक है तो व्हाट इज योर जीरो डॉट फाइव सी एफ बी सिक्स इन हेक्साडेसिमल बाइनरी में क्या लिख जाएगा तो फोर जीरो डॉट डॉट या आ गया जीरो वन जीरो वन दिस इज जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन 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 जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो फोर वन 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 फोर वन वन जीरो वन 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 जीरो फिर लिखूं नहीं जरूरत है तो एल एस बी में जीरोज लिखने की जरूरत नहीं है सॉरी एमएसबी में जीरो लिखने की जरूरत नहीं है जो लास्ट लेफ्ट मोस्ट है उसमें जो लास्ट के जीरोज है लिखने की जरूरत नहीं है और राइट right में जो जीरोस हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है तो ये आपको क्या बन जाएगा बाइनरी इक्वालेंट बन जाएगा समझ में आया सो so, उसका बाइनरी इज दिस और लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लिखना जरूरी नहीं है ठीक है आई होप डेसिमल का कन्वर्शन समझ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्शन समझ में आया फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं बेसिकली इसमें है है ना किस में? में, ना में बेसिकली बाइनरी आई होप दिस इज क्लियर राइट देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वन दिस इज क्लियर राइट चल तो ये हो गया क्या ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट अब फ्रैक्शनल इंटीजर मिक्स कर देंगे जरा फ्रैक्शनल इंटीजर मिक्स करेंगे तो क्या होगा थ्री बी एफ डॉट एफ एफ थ्री बी एफ डॉट एफ एफ अलग अलग फिर से लिखेंगे फिर मैच करेंगे थ्री बी एफ डॉट एफ एफ ठीक है फोर बिट बाट थ्री 3 जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन बी वन जीरो वन वन B is 1011, F is 1111, F is 1111, वन लगा फिर नेक्स्ट F आया फिर अगेन वही चार वन that's it. ठीक है इनको मैच करेंगे मर्ज करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा वो थ्री बी ऑफ हेक्साडेसिमल 16 वन कन्वर्टेड टू बाइनरी विल गिव यू 0011 0011 अब ये 00 लिखने जरूरी नहीं बट मैं लिख दे कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी है ना बट लिखने जरूरी नहीं है 0011 1011 1011 1011 और फिर फोर वन्स 1111 डॉट फिर आठ वन एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइनरी सो बेसिकली ये हो गया क्या आपका उस हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट, राइट आई होप दिस इज क्लियर तो ये इंटेजर और फ्रैक्शनल पार्ट मर्ज होके आ गया बट तब भी कोई कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए राइट चलो तो दिस इज डन दिस इज क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन था है ना दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपके जो बाइनरी सेट वाला कन्वर्जन है वो भी क्लियर हो चुका है तो हमने बेसिकली क्या क्या कन्वर्जन कंप्लीट कर लिए हैं हमने डेसिमल कन्वर्जन क्लियर कर लिया है डेसिमल कन्वर्जन मतलब सेट डेसिमल वाला मतलब बाइनरी से डेसिमल बामल ऑक्टल से डेसिमल और हेगेमल से डेसिमल ये तीनों कन्वर्जन हो चुके हैं राइट right? इसके अलावा अभी हमने बाइनरी कन्वर्जन भी कंप्लीट कर लिया मतलब फाइनली बाइनरी में कन्वर्ट करना है ठीक है तो हमने डेसिमल सीख लिया हमने ऑक्टल सीख लिया और हमने एक्सडेमल सीख लिया तो बेसिकली ये दो सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मतलब इन टोटल हमारी थ्री थ्री सिक्स कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके हैं मतलब वी आर हाफ द वे इन टोटल जिसमें से हम आधे कर चुके हैं टेक्स वी हैव डन सिक्स आर लेफ्ट जो हम नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोज में स्टार्ट करेंगे ठीक है एंड आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी कोई दिक्कत नहीं होगी है ना कोई दिक्कत है तो एक बार ये सारी वीडियोज देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखे स्किप किए हैं वॉच दीज वीडियोज ठीक है कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में इनमेंटलीट वुड बी रिजॉर्ट ओके चलिए सो दिस वॉज योर हिग्जेड इसमल टू बायरी फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके हमारी वेबसाइट है मैगनेट ब्रेस डॉट कॉम तो गूल पर मैग्नेट ब्रेस डॉट कॉम पहली वेबसाइट आई उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड करोगे दिस इज अर होम पेज राइट यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इसमें आपको क्या करना है सी बी एस सू ट्वेल्व इंग्लिश सिलेक्ट करना मतलब सीबीएसई गाड़न टू क्लास ट्वल्थ इंग्लिश मीडियम सिलेक्ना पूरा क्लास पैलट खुल जाएगा क्लास एलेवन पर क्लिक करना है तो क्लास एलेवन के सारे कोर्सेस खुल जाएंगे यूनिट टू स्कॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉचना हो तो कम्प्यूटर साइंस के सारी वीडियो खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियो खुल जाएंगे किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें जिसमें प्ले जिस पॉज का आगे पीछे स्पीड्रोल वाली कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्री नहीं करेंगे यहाँ आपको okay, पढ़ सकते हो यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा वर टी एस सोलंपिया बोर्ड स्टेट बोर्ड एनसीआर बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब यूट्यूब चैनल पर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट यस यू हर्ड दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा करो कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा करूँ कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस ट अच्छा इवन एक और अपडेट आपको यहाँ पे इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे आपको आई आई टी जी मिल जाएगा आपको नीट मिल जाएगा आपको सी यू टी मिल जाएगा आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बस आपको करना क्या है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर आना है वहां पर वीडियो देखने हैं सीखना है कंसेप्ट कोई डाउट्स है तो डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो और इसके बाद आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने स्कूल एग्जाम्स एनी हो बोर्ड एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ओके कोई भी दिक्कत है वी आर देर फॉर यू ओके okay. और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैम भी साथ जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंड गार्डन से क्लास ट्वेल्थ हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी मेरे साथ इस तरीके से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच